जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा रविवार को अन्य राज्यों से आए श्रमिकों को बस स्टैंड पर लंच पैकेट वितरित किया गया। इस संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल सिंह ने बताया कि बस स्टैंड पर अन्य जनपदों से कई ऐसे श्रमिक आ रहे हैं जो दूसरे राज्यों से भी आ रहे हैं, उनको भोजन की अधिक आवश्यकता है। इस मामले को जनपद न्यायाधीश ने गंभीरता से लिया और प्रशासन के साथ सामंजस्य बैठाते हुए श्रमिकों को भोजन बांटा गया। बस स्टैंड पर जो भी श्रमिक है जो दूसरे जनपदों को जाने वाले हैं उनको भोजन पानी उपलब्ध कराकर खिलाकर उनको गंतव्य के लिए रवाना किया जा रहा है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव राहुल सिंह ने कहा, लेते हैं चले जाओ लाइन में, लग जाओ लाइन में, महिलाएं आ जाए, महिलाएं बच्चे सब, तुम लोग चले हटो वहां से, तुम लोग हटो, भागो नगर रेल रिक्शा ले खा लो, भागो चले खा लो, थोड़ा देखो दूर दूर रहे आप सब लोग मिलेगा ये नहीं है नहीं हां तो ये लाइन से लाइन से जाएगा ना लाइन से आप लोग ये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में हमारे माननीय जनपद न्यायाधीश महोदय के नेतृत्व में पूरे इस गोरखपुर जनपद के जगह जगह बाटों पे जगह जगह हमारे द्वारा भोजन सामग्री आदि का वितरण किया जा रहा है। इसी तत्वावधान में ये हमारे संज्ञान में आया है कि अभी वर्तमान में कई ऐसे श्रमिक, कई ऐसे यात्री जो इस राज्य के विभिन्न जनपदों से आ रहे हैं, दूसरे राज्यों से भी आ रहे हैं, उनको भोजन की अति आवश्यकता है। इस मामले को हम लोगों ने गंभीरता से लेते हुए प्रशासन के साथ सामंजस्य बैठाते हुए भोजन सामग्री बांटने का आज हमने बीड़ा उठाया है। इस कारण हम लोग आज यहाँ बस स्टैंड के समक्ष उपस्थित हैं। यहाँ हम लोगों ने जो विभिन्न जनपदों को जाने वाले बसों से यात्रियों को हमने आज भोजन और पानी वगैरह उपलब्ध कराया ताकि उनको हम खिला पिला के उनके हम गंतव्य स्थान तक सुरक्षित पहुंचा सकें।